राम मंदिर अयोध्या विवाद की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विरोधी अथवा मुस्लिम पक्ष के वकील द्वारा अदालत परिसर के भीतर आवेश में आकर राम मंदिर का नक्शा फाड़ने के विरोध में पंजाब हिंदू वेलफेयर बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया। बोर्ड ने इस घटनाक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। हिंदू वेलफेयर बोर्ड पंजाब के प्रधान महंत रविकांत मुनि, बोर्ड सदस्य आर पी सिंह, पवन बजाज, एडवोकेट गगनदीप सिंह व सुनील जिंदल ने शनिवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीती 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने अदालत परिसर के भीतर ही राम मंदिर का नक्शा फाड़ दिया। महंत रविकांत मुनि ने बताया कि संबंध में 17 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस के समक्ष शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस इस मामले में ठोस कार्रवाई करने की बजाय ढिलाई बरती जा रही है। इस देश के अंदर दो तरह की विचारधाराएं धर्म का पालन कर रही हैं। एक विचारधारा धर्म का पालन संविधान के दायरे में रहकर संविधान को मानते हुए कर रही है और दूसरी विचारधारा अपने धर्म के मामले में किसी भी आने वाले व्यक्ति को सिर कलम करने की मानसिकता को लेकर काम कर रही है। हिंदू भगवान श्री राम जन्मभूमि को लेकर पिछले 70 साल से संविधान में आस्था रखते हुए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है और वहीं दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति मोहम्मद, जो पापेट मोहम्मद हैं, उसके बारे में बोलने पर एक व्यक्ति का सिर कलम कर देते हैं। ऐसी विचारधारा को लेकर, यह विचारधारा आज नई नहीं है। मुस्लिम आक्रांताओं के समय में जब उन्होंने विदेशी मुस्लिम आक्रांता इस देश में आए तो उन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, अपवित्र किए और केवल इसी मानसिकता के कारण हिंदुओं को जलील करने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, वही मानसिकता का परिचय देते हुए 16 अक्टूबर को जो श्री राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जजों के सामने एडवोकेट राजीव धवन ने हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम के जन्म स्थान के चित्र को सरेआम फाड़ दिया केवल हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए और उसी जिहादी मानसिकता के चलते उन्होंने ऐसा किया, जिससे देश विदेश में बसने वाले करोड़ों हिंदुओं के धार्मिक आस्था, क्योंकि करोड़ों हिंदू भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर परिक्रमा करते हैं, वहाँ पर नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं और उनमें आस्था रखते हैं, उन हिंदुओं की आस्थाओं को खंडित करने के लिए राजीव धवन ने यह कुकृत्य किया है, जिसके विरोध में हमने दिल्ली पुलिस के पास अपनी शिकायत 17 अक्टूबर को दर्ज करवा दी थी, परंतु अभी तक दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। अमित शाह जी ने से हम निवेदन करते हैं और दिल्ली पुलिस से भी हमारी अपील है कि इस विषय को गंभीरता के साथ लेकर राजीव धवन को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अगर किसी राजनीतिक दबाव या किसी अन्य कारण को लेकर दिल्ली पुलिस या केंद्र सरकार इस विषय को लेकर उदासीनता बरतती है तो हम कोर्ट के माध्यम से इस कार्रवाई को करेंगे। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।